नमस्कारम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं सैलरी चार्ट के बारे में। यहां पर हमने कुछ एंट्रीज पहले से करा के रखी हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। यहां पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहां पर नेम दिए हुए हैं जिन लोगों की हमें सैलरी चार्ट के निकालना है। यहाँ पर सैलरी दी है हमने, दो लोगों की यहाँ पर एंटर करा दी है। और डियरनेस अलाउंस डी ए 10%, यहाँ पर HRA means House Rent Allowance 15%, EPF Employee Provident Fund 20%, Gross Salary इन लोगों को जोड़कर सैलरी इन सभी को जोड़कर के ग्रॉस सैलरी निकलती है। PPF Public Provident Fund हमने मान लिया है कि Public Provident जो है वो Employee Provident Fund का आधा है और LIC का जो बीमा है वो Public Provident Fund का आधा है। ओके, तो यहाँ पर ये दो चीज़ें कटौती की हैं तो यहाँ पर टोटल डिडक्शन कर लेंगे और फिर उसके बाद हम नेट सैलरी निकालेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो लोगों की सैलरी पहले से दी हुई है, हम इन लोगों की मदद से सबकी सैलरी को जो डिसाइड कर लेते हैं। देखिए, जब प्लस का निशान बन के आता है और अगर हम डबल क्लिक कर दें तो सारे लोगों की सैलरी इस तरीके से फिलअप हो जाती है। अब हमें डियरनेस अलाउंस 10% फाइंड करना है तो हम इस निशान लगाते हैं, इस पर 10% निकालेंगे सैलरी पर, इक्वल टू सैलरी को सेलेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई कराते हैं बाई 10% और बाई 100 और एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका 10% 1000 निकलता है। इसी तरीके से हमको सबके पर 10% निकालना है तो हम प्लस पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से डियरनेस अलाउंस सभी का निकल जाएगा। और हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो यहाँ पर 15% हमने इसे दिया है तो हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर से सैलरी सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 15 से कराएंगे बाई 100 और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर HRA इतना निकला है। अगर हमको सबका पॉइंट करना है तो हम प्लस पे क्लिक कर देंगे और EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो कि 20% यहाँ पर हमने रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए कि हम सबसे पहले सैलरी सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में इसको 20 से मल्टीप्लाई कराते हैं और डिवाइड बाई 100, इस तरीके 20% EPF निकल जाएगा सैलरी का। और हम चाहें तो इसको प्लस पे क्लिक करके डबल नीचे या करें या फिर हम ऐसे ही डायरेक्ट ड्रैग कर देते हैं तो भी यहाँ पर हमको फिलअप हो जाता है। जो ग्रॉस सैलरी है वो टोटल सैलरी होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि सम का ले लेते हैं, इक्वल टू सम, और हम यहाँ पर इन सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी अमित की हमें ग्रॉस सैलरी मिल चुकी है। इसी तरीके से सभी की ग्रॉस सैलरी हमें पता करनी है तो हम प्लस पे क्लिक करते हैं और सबके लिए ग्रॉस सैलरी निकाल देता है। यहाँ पर एक लास्ट स्टेप में देखिए छोटा हुआ है तो इसके लिए हम शायद यहाँ तक हम पहुँचे नहीं थे इसलिए शायद रह गया था। अब हम क्लिक करते हैं इस तरीके से, हाँ, क्योंकि हमारा ब्रैकेट जो है वो यहीं तक था, हम इसको बढ़ा देते हैं और इस तरीके से हमारा ये इसको भी हम कर लेंगे, ये यहाँ पर आ गया है। अब हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड निकालते हैं जो कि EPF का हाफ है तो हम EPF पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो PPF आया है देखिए, सॉरी EPF जितना आया है ये यहाँ पर 2000, इसका हाफ करेंगे तो हम लगाएंगे इक्वल टू और EPF को सेलेक्ट कर लेंगे और इसका डिवाइड बाई 2 और हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका आधा हो चुका है। इसी तरीके से सभी का अगर करना है तो प्लस पे क्लिक कर देंगे और ये पूरी तरीके से हो गया। अब हमें LIC कितना पॉलिसी देनी पड़ती है वो भी दिखा देते हैं। देखिए LIC जो है इसका हमने रखा है PPF का आधा तो हम इक्वल टू और PPF को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाई 2 और इस तरीके से एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आ गया। हमको सभी का फाइंड कराना है, यहाँ पर कोने पे ले जाते हैं, प्लस पिलाते हैं और डबल क्लिक कर देते हैं, इस तरीके से निकल के आ जाता है। अब हमें टोटल डिडक्शन पता करनी है तो हम फिर से यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, या तो यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई करें या हमें यहाँ पर से क्लिक करते हैं तो देखिए ऑटो सम आ जाता है। ऑटो सम क्या होता है, इस तरीके से ये पीछे का सम कर लेगा ऑटोमेटिक और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आ गया टोटल डिडक्शन। अगर हमें सारे लोगों को पता करने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देंगे और ये सब लोगों का पता चल जाएगा। नेट सैलरी क्या होती है कि जो हमारी ग्रॉस सैलरी है उसमें से हम डिडक्शन माइनस कर दें, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सॉरी पहले ब्रैकेट ऑन करें
और यहाँ पर ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करते हैं, माइनस यहाँ पर टोटल डिडक्शन, और एंटर करें, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर नेट सैलरी इतनी बनती है। इसी तरीके सभी की सैलरी फाइंड करानी है, प्लस पे डबल क्लिक करें और ये नेट सैलरी पूरी सब लोगों की निकल चुकी है और ये हमारा सैलरी चार्ट तैयार है। और अब हम इसको जो है देखते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं। इसको अगर हम जाएंगे और टेबल फॉर्मेट दे देंगे, यहाँ से फॉर्मेट एज टेबल कोई भी इस तरीके से। पहले हम क्या करते हैं, इसको इस वाली लाइन को ज़रा हेडिंग के तौर पे बना देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। बड़ा करेंगे तो बाहर निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से कलर अप्लाई कर देते हैं कोई भी इस तरीके से, अगर हमको चाहिए थोड़ा सा ब्लू में। अब हम जाते हैं ज़रा इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्मेट एज टेबल, सॉरी फॉर्मेट एज टेबल, यहाँ से हमने कोई भी टेबल सेलेक्ट कर लेनी है और ये टेबल की फॉर्म में हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये आने लग गए हैं आपके, जो फिल्टर ऑन हो गया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एल और ये शॉर्ट ये हट जाता है और हमारी पूरी तरीके से सैलरी चार्ट तैयार है। तो दोस्तों आपको बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके साथ उसके बगल में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट तुरंत ही मिल सकें और आप सबसे आगे रहें। अगर आपको लगता है कि जो लोग आपके खास हैं और ये वीडियो उनके काम आ सकता है तो उन्हें अवश्य सब्सक्राइब उन्हें अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।